कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी इस समय अपनी पार्टी में दोबारा प्राण फूंकने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें वो मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मुस्कुराहट के पीछे का कारण भी काफी दिलचस्प है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने इसका खुलासा किया है। जयराम रमेश ने इंटरनेट मीडिया पर कुछ महिलाओं के साथ राहुल गांधी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि 150 दिवसीय भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने शनिवार दोपहर कन्याकुमारी में महिला मनरेगा के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने आगे बताया कि मुलाकात के दौरान राहुल गांधी की शादी की चर्चा हुई तो वो मुस्कुराने लगे। जयराम रमेश ने इस बारे में कहा कि बातचीत के दौरान एक महिला ने कहा कि वो राहुल गांधी के तमिलनाडु के प्रति प्रेम के बारे में जानती है और वह उनकी शादी एक तमिल लड़की से कराने के लिए तैयार है। राहुल गांधी के साथ 3,570 किलोमीटर के सफर पर मौजूद जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि इस दौरान राहुल गांधी सबसे ज्यादा खुश नजर आए। फिलहाल देखना होगा कि राहुल गांधी कब तक शादी करते हैं और क्या वो लड़की तमिलनाडु की होती है या नहीं।